बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले के विरोध में आज इस्कॉन से जुड़े श्रद्धालु दुनिया भर में कई जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की मांग ये है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस पूरे प्रदर्शन के जरिए बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति एकजुटता भी साफ तौर से दिखाई जा रही है। बताएं, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान जो तस्वीरें नजर आईं वो चिंताजनक थी। दुर्गा पूजा में हिंदू मंदिरों और दुर्गा पांडालों पर हमला किया गया था, विशेष तौर से निशाना बनाया गया था। उसमें इस्कॉन टेंपल को लेकर भी जिस तरह से हमले की तस्वीर सामने आई और दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन नजर आता है। वरुण मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हैं। वरुण, किस तरह से विरोध जताया जा रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर इस्कॉन मंदिर में जो बांग्लादेश में हमला हुआ था उसको लेकर आज इस्कॉन के मंदिर भारत के सभी यहां पर वो अथॉरिटीज पहुंची हैं, वो लोग पहुंचे हैं और अपने ही एक तरीके से वो एक प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए, वो चाहे आप बात कीजिए वो भजन की बात हो या फिर भगवान का नाम जपने की बात हो, लेकिन उन्हीं भगवान का नाम जपने के बीच में अगर हम माने, इन भजन के बीच में माने, तो सिर्फ यही आवाज़ है कि वो हिंदुओं को वहाँ पर सुरक्षित रखा जाए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम भगवान से भी गुहार लगा रहे हैं कि वो भी वहां पर जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए पहुंचे। आप इनका एक अलग तरीका समझ सकते हैं। यहां पर सुबह से ही भजन चल रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर बाहर और यही आवाज की वो जो इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ, हिंदुओं के धर्म स्थलों पर हमला हुआ, वहां की उस स्थिति को सुधारा जाए। और यहां पर हम उन समझने की कोशिश करते हैं। बी एन दास जी हमारे साथ हैं। अगर मैं आपको समझूं कि अभी इस वक्त इस्कॉन मंदिर पर वहां क्या स्थिति है, क्या हुआ, आप लोग इसमें बांग्लादेश में स्थिति तो पहले से थोड़ा सा सामान्य हो रही, लेकिन भक्त हमारे अभी भी डरे हुए हैं क्योंकि बांग्लादेश की जो सरकार है उस पर हमें विश्वास है कि जो हमारे हिंदू समुदाय के भक्त लोग वहाँ पर हैं अल्पसंख्यक, उनकी सुरक्षा निश्चित करेगी, ऐसी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसा नहीं हो, तो हम यही हमारी डिमांड है। आप लोग एक अलग तरीके से भजन के जरिए हैं, आप नाम जपने के जरिए, उसको अगर आप उसका कई रीजन है। एक तो हम विरोध कर रहे हैं बांग्लादेश सरकार के में जो वहाँ पे हो रहा है अल्पसंख्यक पर, अब तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, विरोध और प्रार्थना एक साथ कर रहे हैं। प्रार्थना इसलिए कि जिन लोगों की हत्या हो चुकी है, जो लोग मारे जा चुके हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और दूसरा जो ऐसा कर्म कर रहे हैं उनकी बुद्धि ठिकाने लगे, उनकी बुद्धि सही हो, तो हम लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं अपना विरोध भी कर रहे हैं। ये बहुत आवश्यक, वही प्रार्थना और विरोध आज एक साथ इस वक्त मंत्र पे जल्द से जल्द बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है उसको सुधारा जाए और वही मांग यहाँ दिल्ली से जुड़ते हैं। बिल्कुल वरुण, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो दुनिया भर में इस तरह का प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है।